नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह। आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज, द इमेज ऑफ डेमोक्रेसी। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में 11 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। अजय सिंह विनोद यादव, कोषाध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ बलिया। शासन द्वारा एक ही कैंपस में जो विद्यालय चल रहे थे प्राथमिक और जूनियर, उसमें एक पद समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि शिक्षकों में कटौती होगी और उसके हितों की अनदेखी हो रही है। और अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जो बच्चे आवेदन, जो शिक्षक आवेदन किए थे, शिक्षिकाएं आवेदन की थी, उनका शीघ्र स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ साथ स्वेटर वितरण, जूता मोजा, पुस्तक, बैग, ये सब है जिसको कि शासन नहीं कर सका और शिक्षकों के ऊपर थोप दिया गया, इसकी धनराशि बढ़ाई जाए और बढ़ा करके तब शिक्षकों से वितरण करा जाए, अन्यथा की स्थिति में अपना वितरण स्वयं कर लें। राधेश्याम पांडे, जनपदीय मंत्री, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, जो संगठन को बड़ी मजबूती से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिए हैं और पूरे प्रदेश के अध्यापकों का जो आकलन किए हैं, उसमें सबसे प्रमुख मांग हमारी है, उसके लिए लड़ाई चल रही थी, अभी 2 महीने के लिए स्थगित हुई है। नए अध्यापकों के लिए जो पुरानी पेंशन थी, वो पुरानी पेंशन के लिए कल बैठक रखा गया है और पुनः शासन से वार्ता हुई है। शासन हमारी मांग अभी तक नहीं मानी है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश शासन जो है, हम लोगों की जो समस्याएं हैं शिक्षकों की, जैसे कि 2 विद्यालय एक ही कैंपस में है, उनको संविलियन करके जो है प्रधानाध्यापक पद समाप्त कर रहे हैं, सहायक अध्यापक का पद समाप्त कर रहे हैं। जो हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का जो बीमा 1 लाख का है, सामूहिक बीमा, उसको जो है कम से कम 10 लाख किया जाए परिस्थितियों को देखते हुए। जो ड्रेस और स्वेटर का वितरण हो रहा है, जब सरकार जो है 300 रुपये में नहीं करा पाई, हम लोगों से 200 रुपये में कराया जा रहा है, या तो उसकी राशि बढ़ा के 400 की जाए, अन्यथा शासन द्वारा जैसे जूते, मोजे और किताबें बांटी जा रही हैं, वैसे उनको भी सरकार अपनी तरफ से बंटवाए।